शांति आज का हमारा विषय है एडवांस पार्टी से और रिहान एडवांस पार्टी वतन में एमर्ज हुई और बाप दादा से एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछने लगी कि आपने हमें विशेष सेवा के लिए एडवांस पार्टी में जन्म दिया तो हमारी वो सेवा कब शुरू होगी बाप दादा ने कहा कि एडवांस पार्टी में बहुत महारथी गए हुए हैं ज्ञानी तो आत्माएं गई हुई हैं योगी तो आत्माएं गई हुई हैं और कई ऐसी आत्माएं भी गई हैं जिनको आप बेशक महारथी की लिस्ट में ना भी रखें लेकिन योग के महारथी वो भी हैं अर्थात गुप्त योगी हैं बाबा के साथ उनका जिगरी प्यार रहा है और ये सब आत्माएं सतयुग के शुरुआत में देवी आत्माओं को योग बल से जन्म देने के लिए निमित्त तो जब इन्होंने पूछा कि हमारी उस विशेष सेवा की शुरुआत कब होगी तो बाबा ने कहा कि मैंने उनके प्रश्न को अन्य बातों में लगा करके टाल दिया क्यों ऐसा किया क्योंकि कब का उत्तर अकेले बाप दादा को नहीं देना है जब साकार सृष्टि में रहने वाली आत्माई एवर रेडी बनी तब उनकी सेवा शुरू होगी तो इसका उत्तर तो बच्चों को देना है कि वो एवर रेडी बन गई क्या बाबा ने कहा विनाश की कोई डेट फिक्स नहीं हो सकती अचानक होगा और अचानक के लिए एक महारथी एग्जाम्पल बना दादी चंद्रमणि होता तो सब कुछ ड्रामा अनुसार है लेकिन फिर भी इतने बड़े बेहद के कार्य में किसी को तो एग्जाम्पल बनना पड़ता है ना तो बच्चों को एवर रेडी रहना है और इसके लिए अपने आप से एक वायदा करना है कि हम अपने पुराने संस्कारों को समाप्त कर नए दिव्य संस्कारों को अवश्य धारण करेंगे बाबा ने कहा अब छोट चुट छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ जब बच्चे छोटी चुट छोटी बातों में उलझते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई साठ साल का बुजुर्ग गेंद से खेल रहा हो और गेंद से क्या मिट्टी से भी खेलते हैं दे अभिमान मिट्टी ही तो है ना तो बाबा ने कहा अभी ज्ञान से खेलो गुणों से खेलो शक्तियों से खेलो वतन में जगदम्बा माँ भी आई थी और उसने भी बच्चों को महामंत्र याद कराया कि अब घर चलना है अब उड़ना है अब सब किनारे छोड़ देना है न्यारे और प्यारे बनना है तो बच्चों को माँ की इस शिक्षा को धारण करने के लिए क्या करना है एक तो एकांत में बैठ कर के अपने आप को देखो और दूसरों को देखने की जो मन की आंखें हैं ना उनको बंद करो अगर किसी महारथी की कभी कोई कमजोरी दिख जाए तो उसके लिए भी मन को अंतर्मुखी बना लो कई बच्चे क्या करते हैं कि महारथियों के गुण तो नहीं देखते लेकिन उनकी कमजोरी देख लेते हैं और फिर आपस में चर्चा करते हैं कहते हैं देख लिया महारथी को उसमें भी ये ये कमजोरी अगर हमारे में हुई तो क्या बड़ी बात है और जब वो बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे तो बाबा ने कहा बच्चे एक बात को हमेशा ध्यान में रखो कि एक तो महारथियों का बहुत काल का पुरुषार्थ है उनकी बहुत दुआएं जमा हैं फिर उनका जो अटूट अटल निश्चय है उसके लिए भी उनको एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है जिसके कारण वो छोटी मोटी कमी कमजोरी होते हुए भी पास विद ओनर हो जाएंगे क्योंकि उनकी दुआओं का बल निश्चय का बल उनके श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत ज्यादा है तो अगर आप उनको ही देखते रहेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे इसलिए कभी भी कमी की रीस नहीं करो लेकिन अच्छाई की रेस करो अर्थात उनके गुणों को देख करके ये सोचो कि इनमें जो गुण हैं वो हमको भी धारण करनी है फिर बाबा ने कहा कि एक बड़ा ही सुंदर चित्र बच्चों का बाबा ने देखा चित्र में क्या देखा करनी और कथनी का अंतर देखा अगर बच्चों से पूछा जाए कि आप क्या बनेंगे तो कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे राम सीता बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है लेकिन राम की तरह से युद्ध करते हैं बैठते हैं योग में और युद्ध चालू हो जाती है सभी तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो इसका समाधान क्या है इसका समाधान भी ये है कि दैवी संस्कारों को अपने मूल संस्कारों को अनादि संस्कारों को नेचुरल बनाओ क्योंकि जब कोई भी संस्कार नेचुरल बन जाता है तो वो कर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है और जब दैवी संस्कार कर्म में ऑटोमेटिक आएंगे तो क्या होगा आपको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप राजयोगी योगी, कर्म योगी, सब्त योगी बन जाएंगे फिर बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट का सार केवल दो शब्दों में है पहला शब्द है बाबा ही मेरा संसार है और दूसरा शब्द है देवी संस्कार ही मेरे मूल संस्कार हैं बाबा ने कहा सरल है ना दो शब्द याद रखना मुश्किल कब लगता है जब कोई बात आ जाती है पर बाबा ने पूछा बात बड़ी के बाप बड़ा बाप बड़ा है ना तो बातों की समाप्ति का समारोह मनाओ और जब आप बातों की समाप्ति का समारोह मनाएंगे तो विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आ जाएगा फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे एक बहुत सुंदर गीत गाते हो तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तो बाबा ने पूछा कि कांटों से भी प्यार होता है क्या कांटे तो चुपते हैं लेकिन अगर कांटे को ध्यान से उठाओ तो कांटे से भी प्यार हो जाता है लेकिन अलबेलेपन में उठाओ तो नाराजगी का खून भी निकलता है कांटे क्या है छोटी चुट छोटी बातें ही तो कांटे हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत अनुभवी बनाती हैं तो छोटी चुट छोटी बातों में कभी दिल शिकस्त नहीं होना कभी दिल छोटी नहीं करना घबराना नहीं क्योंकि बड़े बाप के बच्चे हो तो दिल भी बड़ी रखना कोई छोटे मोटे बाप के बच्चे थोड़े हो वर्ल्ड आलमायी के बच्चे हो तो इतने बड़े बाप के बच्चे छोटी चुट छोटी बातों में घबराएं शोभा नहीं देता कोमल मत बनना कमाल करके दिखाना कोमलता अलग चीज है और निर्माणता अलग चीज है निर्माण बेशक बनो पर कोमल मत बनो कोमल अर्थात पानी का फल पानी लगा और फल बह गया तो कमाल करके दिखाओ बातें तो सबके सामने आती हैं बड़ों के सामने भी बातें आती हैं छोटों के सामने भी बातें आती हैं लेकिन जब बातें आती हैं तो ये दृढ़ संकल्प करो एग्जाम्पल बनना है ज्ञान योग से बातों को क्रॉस करना है दूसरों के लिए भी उदाहरण मूर्त बनना है फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को एक बात की डेट कॉन्शियस है कौन सी बात की डेट कॉन्शियस है कि मेरे बच्चे कब सर्व बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त बनेंगे ये मत कहना कि अंत में जीवन मुक्त बन जाएंगे नहीं बहुत काल का जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास ही बहुत काल के जीवन मुक्त राजभाग का अधिकारी बनाएगा और जब आप बच्चे जीवन मुक्त बनेंगे तो जो अन्य जीवन बंद वाली आत्माएं हैं उनकी मुक्ति का भी द्वार खुलेगा आप बच्चे जब क्लास कराते हो तो बंधनों की लंबी लंबी लिस्ट निकालते हो ये बंधन है वो बंधन है लेकिन बाबा कहते हैं सबसे मूल बंधन सबसे पहला बंधन है देह अभिमान का बंधन और इस बंधन को खत्म करने के लिए एक बात याद रखो कि मैं इस देह में अवतार हूँ दुनिया में जो अवतार हुए जो धर्म पिता हुए वो भी तो देह में अवतरित आत्मा थी ना जिसके कारण वो इतना महान काम कर पाए क्योंकि जन्म लेने वाली आत्मा महान काम नहीं कर पाती अवतार लेने वाली आत्मा महान काम कर पाती है तो इस स्वमान में टिकेंगे तो आप बच्चे भी बहुत महान काम कर पाएंगे फिर बाबा ने कहा कि अभी तो मधुबन में आप आते हो बड़े आराम से रहते हो लेकिन कभी ऐसा समय भी आएगा कि अटैची आपको अपना तकिया बनाना पड़ेगा और विष्णु की तरह से तकिया लगा करके के आराम से लेटेंगे बाबा ने कराची का स्थापना के समय का एग्जाम्पल दिया कि उस समय महारथियों को भी तीन फुट जगह मिलती थी चार फुट भी नहीं तीन फुट जगह में सोते थे तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी तो होगा ना बाबा ने का फिर ये मत कहना कि कमर में दर्द हो गया जब इस प्रकार का दर्द होता है तो डॉक्टर लोग भी क्या राय देते हैं कि सीधे सीधे पट पे सो क्योंकि पट पे सोने से ऐसे दर्द ठीक हो जाते हैं तो बाबा ने कहा जब पट में सोओगे ना तो तन भी तंदुरुस्त हो जाएगा और ब्रह्मा बाबा ने आत्मा की स्मृति का कितना अभ्यास किया दीवारों पे लिख लिख के अभ्यास किया परिवार के एक एक सदस्य का नाम लेकर के अभ्यास किया जसोदा आत्मा है नारायण आत्मा है पुट्टू आत्मा है तो बाबा ने कहा आप बच्चों ने इतनी मेहनत की है क्या ब्रह्मा बाबा इतनी मेहनत करके विश्व के मालिक बन गए तो आप बच्चों को भी तो फॉलो करना है ना तो आप भी एकांत में बैठ कर के लिख लिख करके अभ्यास करो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ मैं अवतार हूँ मैं विश्व कल्याण के लिए निमित्त मात्र इस देह में रह रही हूँ यहाँ मेरा कुछ नहीं है विश्व कल्याण का कर्तव्य पूरा करके मुझे घर लौटना है तो बार बार इस स्मृति को रिवाइज करो रिवाइज करते हैं तो रियलाइजेशन होती है अगर ये मान लेते हैं कि हाँ जान लिया मैं आत्मा हूँ ये मानना और जानना सफिशियंट नहीं है लेकिन इस अनुभव में टिकना सफिशियंट है तब एडवांस पार्टी जो सवाल पूछ रही है कि हमारी सेवा कब शुरू होगी तो उनकी सेवा तभी शुरू होगी जब हम इस अभ्यास में पक्के बनेंगे जब हम प्यारे बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेंगे जब हम एवर रेडी होकर के प्रत्यक्षता का पर्दा खोलेंगे ओम शांति